मैं हूँ मीना जायसवाल फ्रॉम देहरादून। आज मैं बनाऊंगी साबूदानी खिचड़ी। इसके लिए हमने लिया है साबूदाना, एक कटोरी साबूदाना है, ये कटोरी के बराबर एक कटोरी साबूदाना है। इसको हमने 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया था और कई बार पानी से धोया है, 3-4 बार वॉश किया है इसको। उसके बाद इसका जो वाइट पानी होता है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए, बिल्कुल क्लीन हो जाए, जब इसको भिगो के रख देना चाहिए। क्योंकि ये ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा हम पानी से नहीं धोएंगे, इसका जो स्टार्च है उससे हमारे साबूदाने खिचड़ी ये इकट्ठी चिपकी चिपकी बनेगी। इसलिए हम कई बार पानी से धोना है इसको, और उसके बाद में 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगोया है, और 3-4 घंटे के बाद इसको छन्नी में निकाल के निचोड़ने के लिए बिल्कुल पानी निकाल के रख दिया है। और ये देखिए, ये बिल्कुल गल चुका है, ये टूट रहा है, बिल्कुल गल गया है। और इसके लिए हमने लिए हैं आलू, ये छोटे छोटे टुकड़ों में आलू काट के और इनको डीप फ्राई करके रख लिया है। ये मूंगफली के दाना, इनको भी डीप फ्राई किया है, डीप फ्राई करके और इनको हल्के हल्के टुकड़ों में इसको तोड़ के फोड़ के रख दिया है, मतलब बारीक टुकड़े कर दिए इनके इस तरह से। थोड़ा सा धनिया पत्ती है, हरी मिर्च है कटी हुई, और इसके लिए हमें नमक है, और मिर्च है, और जीरा, और थोड़ा सा देसी घी है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम तवा रखेंगे, बनाना शुरू करते हैं। चलिए डालेंगे 2 चम्मच घी। 2 चम्मच डालेंगे क्योंकि हमारी मूंगफली दाना और आलू डीप फ्राई करे हुए हैं। डाल देंगे, गरम हो जाएगा, फिर जीरा डालेंगे। ये हम व्रत के लिए बना रहे हैं, ये नवरात्रों के व्रत चल रहे हैं, उनके लिए हम बना रहे हैं। आप ये व्रत में भी खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं, जब आपका मन करे खा सकते हैं, लेकिन व्रत में खाने से इसका थोड़ा पेट भी भर जाता है और थोड़ा खाने में स्वाद भी लगती है। ये किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं, दही के साथ खाएं, किसी के साथ खाएं, ये बाकी अच्छी लगती है खिचड़ी। चलिए हम जीरा डालते हैं इसमें, ये जीरा हमारा चटकने लग गया, भून चुका है। इसमें हम डाल देंगे आलू, आलू थोड़ा सा हम करेंगे, फिर इसके बाद डालेंगे नमक मिर्च, नमक मैंने 1 चम्मच लिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खाएं, जैसा भी आप खाते हो। ये सेंधा नमक है, सेंधा नमक उस नमक से ज़्यादा पड़ता है थोड़ा सा। ये मिर्च पाउडर है, ये घर की कुटी हुई है मिर्च, इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे। गैस को धीमा कर दिया है, हम डालेंगे इसमें साबूदाना, पहले वो डाल देती हूँ, मिर्च डालूंगी, हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल दी, थोड़ी सी डालें, ज़्यादा ना डालें। अब हम डालेंगे साबूदाना, ये देखिए बिल्कुल खड़ा दिख रहा है, ये इस तरह से ये फटाफट बन जाती है, 2 मिनट में 3 मिनट में बन जाती है। इसको हम चलाएंगे, अच्छे से मिला लेंगे। मूंगफली के दाना भी डाल देंगे साथ में,
धनिया पत्ती, इस तरह से मैं इनको थोड़ी देर चलाएंगे। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, हल्का सा। इस तरह से देखो खिली खिली खिचड़ी बनती है। और साबुदाना हमारा 3-4 घंटे भीगा, तभी गल चुका है। एक मिनट के लिए इसमें फ्राई पैन में छोड़ देंगे। स्वाद के अनुसार आप थोड़ा सा नींबू भी डाल लेंगे, 1-2 बूंद। थोड़ा सा खट्टापन अच्छा लगेगा इसमें। खिली खिली खिचड़ी साबुदाने की हमारी बनके तैयार हो चुकी है। गल चुकी है इस तरह से। इसको कर देंगे बंद, गैस को हम कर देंगे बंद। इसे निकालेंगे एक प्लेट में। खिचड़ी हमारी बहुत अच्छी बनी है, देखिए इस तरह से। इसे आप दही के साथ भी खा सकते हैं, दही के साथ चाहे आप मीठे दही के साथ भी खा सकते हैं, फीके दही के साथ भी खा सकते हैं। जिस तरह से आप साथ में चटनी भी लेके खा सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो आप उस तरह से खिचड़ी, साबुदानी खिचड़ी को खा सकते हैं। अगर आप लोगों को आपको हमारी खिचड़ी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और वीडियो के देखने के बाद लाइक करना, और वीडियो से देखने से पहले सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करते हो तो हमारी हिम्मत बनती है आगे, हमें आगे आगे रेसिपी दिखाने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी आएगी, घंटी को भी दबा देना, उससे आपको मेरी जो भी मैं वीडियो डालूँगी तो आपके पास सबसे पहले मेरी वीडियो पहुँचेगी, और आप उसे देखना। देख के पसंद करते हो, आप लोग हमारी वीडियो को बहुत पसंद करते हैं। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय बाय।